श्री राम राम रघुनंदन राम रामम श्री राम राम भरताग्रज राम रामम श्री राम राम रणकर्कस राम रामम श्री राम राम शरणम भव राम रामम श्री राम राम शरणम भव राम रामम। सर्वप्रथम श्री इष्ट देव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के ज्योतिष प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है वह पूर्ण नहीं हो रही है। किसी भी प्रकार की आपकी कोई कामना है जिसके लिए बार बार प्रयास किया जा रहा है लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में श्री हनुमान जी महाराज का शीघ्र मनोकामना पूर्ण करने वाला एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग है, आप इसे जरूर अपनाएं। किसी भी मंगलवार के दिन से करना प्रारंभ करें और समझे अगले मंगलवार तक तो हनुमान जी महाराज की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को आपको करना है, आप विगत काफी समय से लगातार किसी भी प्रकार की कोई कामना है उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, किसी भी मंगलवार के दिन से आपको प्रारंभ करना है। किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को करना प्रारंभ किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को आपको प्रारंभ करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, शीघ्र मनोकामना पूर्ण करने वाला श्री हनुमान जी महाराज का महा चमत्कारी उपाय किस प्रकार से आपको करना होगा। किसी भी शनिवार के दिन यह प्रयोग विधि सायंकाल के समय करनी है, शाम का समय जो आरती बत्ती का समय होता है इस समय पर इस प्रयोग को आपको करना होगा। इस प्रयोग को करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, स्नान आप जरूर कर लें, स्नान नहीं कर सकते तो हाथ पांव मुंह धो करके सबसे पहले आप अपने घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप अपने घर के पूजा स्थान के समक्ष प्रार्थना करें, विशेषतः श्री हनुमान जी महाराज से अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करना है। आपको एक नारियल लेना है जो सूखा नारियल पूजा में प्रयोग होता है, जटा वाला नारियल ले लेना है। नारियल पर गंगा जल का छींटा आप मार दीजिए और जो कलावा आता है हाथ में बांधने वाला जिसको मोली भी बोलते हैं, सात बार उस नारियल पर अपनी मनोकामना का चिंतन करते हुए ध्यान करते हुए आप लपेट दीजिए। इस नारियल के साथ में आपको तीन गुलाब के पुष्प लेने हैं, तीनों गुलाब के पुष्प पर इत्र आपको लगा लेना है और ये नारियल और गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा करके शाम का जो आरती बत्ती का समय है ध्यान रखें उसी समय यह प्रयोग करना है। आसपास में कोई भी हनुमान जी महाराज का मंदिर हो अपनी कामना को बोल करके हनुमान जी महाराज के चरणों में आप यह रख दीजिए नारियल और गुलाब के पुष्प। उसके पश्चात आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना होगा, मिट्टी का भी दिया ले सकते हैं या घर से आप कोई कटोरी लेकर के जा सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जब आप सरसों के तेल का दीपक जला देते हैं तो उस तेल के अंदर आपको दो लौंग भी डाल देनी है, दो लौंग आप उस सरसों के तेल में डाल दीजिए और वहीं पर आसन लगा करके आप बैठ जाइए। जहां पर भी आपको मंदिर परिसर में स्थान मिलता है, जगह मिलती है, वहां पर बैठ जाएं। ध्यान रखें कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ आपको बिल्कुल सीधा रखना है। पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से श्री हनुमान जी महाराज से मन ही मन आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण लगा हुआ है या माता पिता अपने बच्चों के निमित्त कर रहे हैं तो उनके लिए प्रार्थना करें कि कैसा भी कोई ग्रहण है, बंधन दोष है, हे हनुमान जी महाराज आप सक्षम हैं बड़े से बड़े दोष का निवारण करने में, आप कृपा करें, मेरे
सभी प्रकार के कष्टों को, ग्रह दोष को शांत करें। आप कुछ ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करें कि जो मेरी कामना है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। 2-5 मिनट के लिए सच्ची तन्मयता से, भाव से, अपने अंतर आत्मा की जो आवाज है उसे आप श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में रखें और वहीं पर 5 मिनट के लिए बैठ के पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, चाहे धीरे धीरे स्वर में आप बोलें, आपको बार बार इन लाइनों का उच्चारण करना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। इस प्रकार से पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, एक आंतरिक रूप से आप कनेक्ट हो श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में। इतना भाव प्रबल होना चाहिए कि नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। जब इतनी सच्ची सिद्धत से, संकल्पबद्ध तरीके से आप अपने मन की बात श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में रखते हैं, पक्का मानिए ऐसा वैसे विधान है, नियम है ऐसा, कि ऐसा 7 मंगलवार किया जाए तो कितना भी बड़ा, कैसा भी कोई काम हो, अवश्य हनुमान जी महाराज उसे पूर्ण कर देते हैं। लेकिन यहां पर आप किसी भी मंगलवार से, मंगलवार को इस प्रकार से करना प्रारंभ करें और आने वाले सभी दिन करते हुए अगले मंगलवार तक आप कर सकते हैं। यदि नियमित रूप से रोज नहीं कर सकें तो कम से कम 3 मंगलवार इस विधि से, इस श्रद्धा से, इस समर्पणता के साथ आप इस प्रयोग विधि को जरूर करें। प्रिय दर्शकों, कलयुग के साक्षात प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं श्री हनुमान जी महाराज। जब आप पूरी प्रगाढ़ संकल्प शक्ति के साथ, भावनात्मक से, एक स्वच्छ भाव से हनुमान जी के चरणों में अपनी प्रार्थना रखते हैं ना, तो हनुमान जी महाराज आपके बड़े से बड़े दोष को भी शांत करते हैं और शीघ्र आपकी मनोकामना को पूर्ण होने का योग बना देते हैं। पूर्ण भाव से करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, इस प्रकार से कम मंगलवार की मंगलवार करें तो 3 मंगलवार करें, नहीं तो मंगलवार से प्रारंभ करके अगले मंगलवार तक इस प्रकार से भाव से, श्रद्धा से करें। हनुमान जी महाराज आपका मनोरथ बहुत जल्द पूर्ण कर देंगे। बहुत ही प्रभावी प्रयोग है। मैंने स्वयं मेरे जीवन में बहुत बार कुछ ऐसी स्थितियां बनी वहां पर इसे प्रयोग करके देखा है। आप भी जरूर इसे प्रयोग करके देखिएगा। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। विशेष रूप से ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से यदि आप मैरिज से रिलेटेड सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह कब, कैसे, कहां होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय करने चाहिए, तो इस प्रकार की बिल्कुल शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए एक बार ज्योतिष गुरुजी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करना। मेरे वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर जरूर करिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आपके समक्ष मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी YouTube चैनल।